गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा पहला व्लॉग है। आज मेरा व्रत भी है, उसके ऊपर से आज शादी में भी जाना है। आज बहुत सारे काम है, पूरा दिन बहुत बिजी है। उसके ऊपर से कल मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है, तो हमें उसकी भी तैयारी करना है। तो हमने सोचा क्यों ना ये सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो प्लीज़ आप हमारे व्लॉग को पूरा देखिए और हम धीरे धीरे आपको सारी तैयारियाँ दिखाते हैं। हाय गाइस, आज आप लोग को मालूम तो चल ही गया होगा हमारा फर्स्ट व्लॉग है। और अभी हम चाय बना रहे हैं, यहाँ चाय बन रही है। खुशबू गई पापा के साथ एटीएम, दो आएगी फिर चाय पिएगी, उसका जो पास है। और आज पूजा भी है घर पे, तो हम साथ साथ जो भी करेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। हम मम्मी और मौसा जी को चाय दे के आ गए हैं, और अभी दीदी क्या बोलते सब्जी जमा रही है। तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या क्या जमा रही है, क्योंकि कल भी जो खाना बनेगा उसके लिए भी सामान ले माँ अभी से मंगा लिया। तो जो कल बनेगा वो हम आपको कल बताएंगे क्या क्या बनेगा। पर अभी चलिए सामान देखते हैं कि क्या क्या आया है अभी कल के लिए। ये भिंडी आई है, ये कल के लिए तो नहीं आई है, इसको कल नहीं बनाएंगे, परसों परसों बन जाएगी। और साथ ही लौकी आई है, और गाजर है, शिमला मिर्च है, यहाँ भट्टे है, और इसको क्या बोलते हैं अरबी है, इसका नाम ही भूल गई मैं। यहाँ पर सब जम रहा है कल के लिए। ये खुशबू भी आ गई है एटीएम से, तो सब भी आई है। और ये मिठाई भी लाई है पूजा के लिए शाम की। ये हमारा चाय का पानी गर्म हो चुका है, उबलने लगा है, अब इसके अंदर हम दूध मिलाएंगे। और साथ ही हम शाम की खीर के लिए दूध भी गर्म करके रख रहे हैं। और ये छोलों में हमने साफ पानी डाल के रख दिया है, इनको अच्छे से धोकर और अच्छा पानी डाल दिया। ये हमारी चाय उबलने लगी है, ये हमने गर्म पानी कर लिया। बाय चांस कभी कभी क्या होता है दूध फट जाता है, तो हम पहले इसमें गर्म पानी करके फेंक देंगे। उसके बाद फिर वो हमारी चाय गिरते गिरते बची, तो फिर दोबारा बनानी पड़ती है। मम्मी की बहुत डांट भी खानी पड़ती है। अभी हम दूध गर्म कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में तो यही होता है, आपके साथ भी यही होता होगा, किसी के साथ होना हो पर मेरे साथ तब से यही होता है। ये शाम की खीर के लिए दूध गर्म हो रहा है 2 लीटर, अभी 1 लीटर डल गया है, अभी 2 लीटर है। ये हमारी चाय तैयार हो गई है, अब हम चलते हैं इस चाय को देने। चल रहा है, पापा नहीं है। ये हमने चाय दे चुकी है, हमारे इधर कूलर चल रहा है, थोड़ी सी भर भर आवाज़ आ रही है। पापा और खुशबू अभी तक एटीएम से वापस ही नहीं आया, जब वो लोग आएंगे तब उनको भी चाय दे देंगे हम दोबारा। जैसे कि सुबह से अब मुझे टाइम मिला है चाय पीने के लिए, एटीएम गए, एक एटीएम में इतनी ज़्यादा भीड़, दूसरे एटीएम में पैसे ही नहीं मिले, फिर तीसरे एटीएम गए वहाँ से पैसे लेकर आए। फोटोकॉपी की दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कभी कभी खुल रही हैं दुकानें, लेकर आएँ। अब फास्ट है मेरा और अब मैं 11:30 बज रहे हैं और अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ। उसके ऊपर से आधे घंटे बाद मुझे शादी में जाने के लिए तैयार होना है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी। शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं, थक तो इतना गए कि मन बिल्कुल भी नहीं है। योगिता पीछे बैठ के खाना खा रही है, अब हम रेडी होते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए शादी में जाने के लिए, और ऐसा कोई करता होगा जाने से पहले घर से खा कर जाए और शादी में कुछ ना खाए, मैं करने वाली हूँ। अभी मेरी छोटी हो रही है, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि 1 बजे तक मुझे घर से निकलना है, 2 बजे वापस घर भी आना है। यहाँ रुके निकल गई हूँ, मैं बहुत लेट हो गई है, मुझे जाना 1 बजे था और अब 1:30 बज चुके हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ यहाँ से फ्रेंड के घर, फिर फ्रेंड के घर से हम लोग साथ में हॉल जाएंगे और आधे घंटे में घर आ गई हूँ। मैं यहाँ के चेंज भी कर लिया क्योंकि मैं ब्लैक पहन के रखी थी और पूजा में ब्लैक नहीं चलता, इसीलिए मैं लेट हो गई हूँ। मैंने बोला था मैं आधे घंटे में घर आ जाऊँगी और मैं नहीं आ पाई हूँ। खाने की तैयारी पूरी चल रही है, पूजा का काम भी आधा हो गया है, अब हम किचन में चल के देखते हैं किचन में क्या आ रहा है। जैसे कि किचन में दीदी है, योगिता है, किचन में खीर बन रही है, उधर छोले उबल रहे हैं, दीदी अलग सब काम में लगे हैं फटाफट फटाफट, मम्मी नहाने गई है। 3 बजे से हम पूजा की तैयारी स्टार्ट करते हैं।
ही ज़्यादा तेज़ है। पापा ने केले ला के नहीं दिए थे, प्रसाद में केले चढ़ाने हैं, तो मैं और योगिता जा रहे हैं बाहर केले लेने के लिए, जबकि बाहर सबसे ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। हमारी तैयारियाँ चालू है। ये है मेरे पास आटा। अब हम बाहर मंदिर के पास चौक पूरेंगे। ये है हमारा मंदिर। मंदिर के पास हम चौक पूरते, धीरे धीरे तैयारी करते हैं। लेट भी बहुत हो गया है, और जिस दिन हमें बहुत सारा काम हो ना, उस दिन टाइम ऐसा निकलता है कि पता ही नहीं चलता है। अब हम चौक पूरते जल्दी जल्दी पूछे की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी कोई आया नहीं है। जैसे ही कोई आ जाएगा तो फिर हमें और जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ठीक है, थक गए बहुत ज़्यादा। अभी सबका मेहंदी का कार्यक्रम, हल्दी का कार्यक्रम चल रहा है। सभी हल्दी लगा रहे हैं, माहौल लगा रहे हैं, और उसके बाद थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं। इस वाले ब्लॉग में मुझे नहीं लगता कि हम सालगिरह की प्रिपरेशन दिखा पाएंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए। आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी था, तो शायद इस ब्लॉग को हम रात तक एंड कर देंगे, और शायद दूसरा ब्लॉग कल फिर से बनाएं। प्लीज़ आप हमारी वीडियो पर आगे ऐसे बने रहें। इकट्ठा हो रही है, और हमारे इधर खाना भी बनने स्टार्ट हो गया है। खीर बन रही है, और इसमें सब्जी बन रही है छोले आलू की। हमारी पूजा ख़त्म हो गई है, सबका खाना पीना हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सब खाना खा के लेट गए हैं, और सब बहुत ज़्यादा थक गए, और मैं भी अब सोने जा रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। हमारे चैनल पे अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।